आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। राशि यूथ महोत्सव में बोले पीएम मोदी, सभी मंदिरों में चलाए स्वच्छता अभियान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। कांग्रेस और सपा की बैठक कैंसिल, दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर होनी थी चर्चा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल, 72,720 पर पहुंचेगा सेंसेक्स। 1,000 के पार पहुंची कोविड 19 के नए वेरिएंट JN1 के मामलों की संख्या। ईडी के दफ्तर पहुंचे कार्ति चिदंबरम, वीजा अनियमितताओं से जुड़े मामलों में होगी पूछताछ। बंगाल पुलिस ने माओवादी नेता सब्यसाची गोस्वामी को किया गिरफ्तार, ढूंढ रही थी कई राज्यों की पुलिस। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में नए चेहरे खोज रही है बीजेपी। 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, 72 साल बाद वरियान योग का बन रहा है संयोग। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के घर में छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम, नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ा है मामला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले होगा श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर यूपी में 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मोस्ट सीनियर न्यायाधीश ने दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में आज सुबह फिर आया भूकंप, 4.3 थी तीव्रता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।